नमस्कार दोस्तों, एसआरएस एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज रिलीज हुई मूवी जजमेंटल के बारे में। जजमेंटल है क्या? इसमें काम कर रहे राजकुमार राव, कंगना रनावत, अमायरा दस्तूर, सतीश कौशिक और जिमी शेरगिल एज अ स्पेशल अपीयरेंस हैं। और इसे डायरेक्ट किया है प्रकाश जी ने। और ये कॉमेडी ड्रामा है, थ्रिलर ड्रामा है। तमाम विवादों और सुर्खियों के कारण कंगना रनावत की जजमेंटल है क्या का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। और फिल्म देखने से ये बात कहना कतई गलत नहीं होगा कि फिल्म में कंगना और रनावत और राजकुमार राव की परफॉर्मेंस को लेकर जजमेंटल हुए बगैर आप उन्हें पूरे नंबरों से पास करने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई दोनों कलाकार अपने अपने किरदारों में नहले पे दहला साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिल्म की कहानी है मानसिक रोग एक्यूट साइकोसिस की शिकार बॉबी की, जो बचपन में माता पिता के झगड़े में हुई उनकी मौत के कारण इस बीमारी से घिर जाती हैं। बीमारी के कारण वह कई बार झूठ और सच के बीच भेद नहीं कर पाती। इस रोग के कारण वह अत्यधिक गुस्से, हेलुसिनेशन, इल्यूजन और मूड स्विंग का शिकार हो जाती है। असल में वह एक डबिंग आर्टिस्ट है और साउथ की फिल्मों से लेकर हॉरर फिल्मों तक अलग अलग किरदारों को अपनी आवाज़ें देती रहती हैं। डबिंग के दौरान वह कई बार खुद को फिल्म का किरदार मानकर उसी तरह बर्ताव करने लगती है। इसी चक्कर में वह कभी पुलिस वाली बन जाती हैं तो कभी हॉरर फिल्म में कोई हीरोइन। गुस्से में हुई मारपीट के कारण उसे 3 महीने के लिए मेंटल असाइलम में भी भर्ती किया जाता है और समय पर दवाई लेने की ताकीद की जाती है। उसी दौरान उसके घर में केशव यानी कि राजकुमार राव अपनी पत्नी रीमा यानी कि अमायरा दस्तूर के साथ किराए पर रहने आता है। बॉबी केशव की ओर आकर्षित हो जाती है, मगर साथ में केशव की हरकतें बॉबी को शॉक कर देती हैं, शक में डाल देती हैं। अभी बॉबी केशव की जासूसी करती रहती है और इसी बीच एक कत्ल हो जाता है। बॉबी पुलिस यानी कि सतीश कौशिक और ब्रजेंद्र काला को यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि कातिल केशव ही है, मगर केशव कत्ल का इल्ज़ाम बॉबी पर लगाता है। कत्ल की गुत्थी उलझती जाती है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाकर आ खड़ी हो जाती है जिसके लिए बॉबी और केशव जरा भी तैयार नहीं होते हैं। निर्देशक यानी कि डायरेक्टर प्रकाश कौलामुदी ने लेखिका कनिका ढिल्लन की दमदार स्क्रिप्ट के साथ पूरा न्याय किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको थ्रिलर, सस्पेंस और डरावजे अंदाज में बांधे रखती है। डायरेक्टर ने थ्रिल को बढ़ाने के लिए जिस तरह से कलरफुल इमेजेस वाले शॉट्स लिए हैं वो कमाल के हैं, वह काफ़ी अलग दिखते हैं। सेकेंड हाफ की शुरुआत में कहानी थोड़ी खींच जाती है, मगर नए ट्रैक के साथ फिर यह पकड़ी जाती है। फिल्म में रामायण के किरदारों को प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया है, जो कहानी को और ज़्यादा समृद्ध बनाता है। मनोरोगी के रूप में कंगना के दिमाग में चलने वाली आवाज़ों को भी डायरेक्टर ने विभिन्न सवालों का रूप देने में कामयाब रहते हैं। डायरेक्टर में जिमी शेरगिल और कंगना के ट्रस्ट वाले दृश्य में के जरिए मेंटल रिलेशनशिप पीड़ित रोगियों के प्रति मैसेज देने की कोशिश की गई है। फिल्म में ह्यूमर कहानी और बोझिल नहीं होने देती। बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है, मगर क्लाइमेक्स का प्रिडिक्टेबल होना अखरता है। डायरेक्टर उसे दमदार बना सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म कंगना की है और बॉबी की किरदार की डर, बेबसी, गुस्से और पागलपन को कंगना ने बखूबी निभाया है। कॉस्ट्यूम से लेकर फेशियल हाव भाव सभी अव्वल दर्जे के हैं। उनका अभिनय इनसे रिलेशन से पीड़ित लोगों का हाल बयां करने में सफल साबित हो जाती हैं। दिलचस्प बात है कि राजकुमार राव कहीं भी 19 साबित नहीं हुए। समर्थ अभिनेता के रूप में केशव की किरदार की वीरता को उन्होंने बनाए रखा। कंगना के टाइम पास बॉयफ्रेंड के रूप में हुसैन दलाल मनोरंजन करते हैं। छोटी सी भूमिका में जिमी शेरगिल राहत देते हैं। अमायरा ने ठीक ठाक काम किया है। फिल्म में राइटर कनिका ढिल्लन का केमियो भी है। तनिष्क बागची के बीच संगीत में वखरा गाना खूब पसंद किया गया है। यह रेडियो मिर्ची टॉप 20 के चार्ट में 13वें पायदान पे है। कंगना और राजकुमार के फैन है अगर आप हो तो ये फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।